एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बुलंदशहर के ब्लॉक खुर्जा में स्थित मोहम्मदपुर नार गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के विकास के लिए ग्रामवासियों ने मिथिलेश देवी को प्रधान के रूप में चुना है। लगभग 3200 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर ही है। लगभग 2800 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 170 बच्चे अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 2 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 2 नल रिबोर कराए गए हैं। इसी के साथ बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 150 विद्युत पोल, 1 ट्रांसफार्मर व 21 सोलर लाइट भी लगी हुई है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाला व स्कूल में मरम्मत कार्य भी कराया गया है। इसी के साथ ही वर्तमान प्रधान की देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में 300 प्रधानमंत्री आवास, इज्जत घर, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, शमशान घाट की बाउंड्री व पानी की टंकी के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। नमस्कार, मैं नार मोहम्मदपुर से ग्राम प्रधान मिथिलेश देवी हूँ, ब्लॉक और तहसील खुर्जा है। मेरे गांव में वैसे मैं यहाँ सिर्फ सेवा के लिए आई हूँ और मुझे सेवा ही करनी है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ शासन और प्रशासन से कि मेरे इस कार्य में जो भी मेरे सेवा का कार्य है उसमें योगदान दें। सिर्फ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ। आज तक पुरुष प्रधान समाज रहा है तो यहाँ आसपास के गांवों में मैं अपने कार्य क्षेत्र में सिर्फ मैं ही महिला हूँ। शमशान घाट नहीं है, उसमें ना ही तो बाउंड्री है और ना ही छतरी है, तो मैं चाहूँगी कि वो भी व्यवस्था की जाए शमशान घाट की निकास लिए, जिससे कि हजारों बीघा जब बारिश पड़ने पर वहाँ पानी का कहीं निकास ना होने के पोखर पानी लबालब हो जाती है और मेरे गांव की फसल मर जाती है। वहाँ चारों तरफ घरों में भी पानी आता है और फसल में भी पानी आता है, तो उसके लिए मैं प्रार्थना करूँगी। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ शासन से कि मेरी बात का अन्यथा ना लें, गलत मतलब ना निकालें। दूसरा, हमारे गांव में मैं पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित हूँ, यहाँ स्टाफ की कमी है, स्कूल में टीचर बढ़ाए जाए। दूसरा, मेरा गांव बहुत बड़ा है नार मोहम्मदपुर, तो यहाँ एक सफाई कर्मचारी है। मेरा अनुरोध है कि यहाँ दूसरे कर्मचारी, 2 सफाई कर्मचारी को रखा जाए, जिससे कि वो पूरे गांव में साफ़ सफाई हो, जिससे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी सफाई पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो मैं भी चाहूँगी कि मेरा गांव स्वच्छ हो, हर जगह साफ सफाई हो। तीसरा, मैं एडीओ वीडियो साहब, सचिव से भी प्रार्थना करूँगी कि मैं महिला हूँ और मैं कुछ करना चाहती हूँ, विकास कार्य को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, खूब अच्छे से मेहनत करना चाहती हूँ, परिश्रम करना चाहती हूँ, तो मेरा वो सपोर्ट करें, उनसे भी मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। अच्छा, इसके बाद हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर सिर्फ पूरे गांव के लिए एक है जो आए दिन फूट जाता है, तो मैं अनुरोध करूँ कि 2 या 3 ट्रांसफार्मर की और व्यवस्था की जाए, जिससे लोगों को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल सके और बार बार वो एक पर ही लोड जाता है तो बार बार वो फूटता रहता है लोगों की, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। रास्ते हैं हमारे, एक तो चिंगरावली नार मोहम्मदपुर से चिंगरावली जुड़ता है, वहाँ भी कोई निकासी नहीं है पानी की। दूसरा है नार मोहम्मदपुर से जहांगीरपुर मार्ग के लिए जाता है, जहांगीरपुर के लिए रास्ता जाता है, यहाँ भी पानी की कोई निकासी नहीं है, तो ये भी इस पर भी दृष्टि बात करे सरकार और ये पानी की समस्या का समाधान करे। हैडपम्प की बहुत डिमांड है, हैडपम्प कम है यहाँ, हैडपम्प की भी बहुत ज़रूरत है, तो हैडपम्प में चाहूँगी कि कम से भी कम 10 की करीब यहाँ हैडपम्प। यहाँ ये सारी ये ग्राम सभा पंचायत की जगह है, वहाँ ये छोटी सी जगह में जिसमें पानी का पूरे गांव का पानी वहाँ आता है वो लबालब हो रही है और यहाँ पूरे में पानी भरा हुआ है,
ये यहाँ बारात घर है जो लोगों ने यहाँ अपने कब्जा किया हुआ है। इसका मैंने प्रार्थना पत्र SDM साहब को दे रखा है लेकिन अभी उस पर रिजल्ट नहीं आया है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो जिससे जो अभी ये सड़क बनी है तो ये ना टूटे और साफ़ सुथरी रहे। अगर पानी ओवरलोड हो जाएगा, अगर उसका या तो उसको बड़ा करवाया जाए या उसका कोई और तरीका ढूंढा जाए जिससे ये पानी आगे तक जा सके। तो ये हमारे गांव की बहुत गंभीर समस्या है। ये अभी ये दोनों तरफ नालियाँ बनी, इस नाली का भी कुछ असामाजिक तत्व थे जिन्होंने विरोध करा। अगर ये नाली में नहीं बनवाती तो ये फिर पानी रोड पर आता। अभी आपको साफ़ सुथरी जगह सड़क दिख रही है, अगर ये नाली नहीं बनती है तो ये पानी इस पूरे एरिया में पानी भरा रहता था जिससे पूरा गांव परेशान रहता था, आने जाने वाले लोग भी परेशान रहते थे। तो इसके लिए मैंने ये नालियाँ बनवाई हैं जिसको कुछ लोग इस नालियों को आगे भी नहीं जाने दे रहे हैं। और यहाँ इसका भी काफ़ी टाइम एक महीने तक विरोध करते रहे, यहाँ नाली भी नहीं बनने दे रहे थे। तो ये आप देख लीजिए, ये बारात घर है, साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो SDM साहब इस समस्या का भी समाधान करें, यहाँ अवैध कब्जे हटाए जाएँ और यहाँ इस तालाब को बड़ा करवाया जाए या और उनके समस्या जो भी इसका हल निकले तो निकालें।